एमन, एमन, मेरा फोन। हेलो शामिर। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। गजब हो गया शामिर, एमन घर पे नहीं है। कहाँ गई होगी आप? सही से देखे, घर में ही होगी। अरे मैंने पूरा घर छान मारा है, कमबख्त कहीं पर भी नहीं है। शामिर, इससे पहले कि तुम्हारे बाप को कुछ पता चले, कहीं से भी उसको ढूंढो और लेकर आओ घर पे। तेरा कुछ हो गया, उसके बाद भी इसने कुछ नहीं सीखा। अरे अगर उसके अंदर इतनी अकल होती तो इस तरह के कदम उठाती वो? जज्बाती है, नादान है, ऐसा ना हो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा ले वो। बाप ही बताए अम्मी, कहां ढूंढू उसे? हो ना हो, वो जरूर अपने फ्लैट में गई। मैं तुम्हें वहां का एड्रेस देती हूँ, जितनी जल्दी हो सके ना उसको घर पे ले आओ। और देखना, उस पर ज्यादा गुस्सा मत करना, उसकी हालत वैसे ही ठीक नहीं। तुम मेरे समझदार बच्चे हो। ठीक है अम्मी, मैं जाता हूँ, अल्लाह। तुमने ये क्या किया इमान? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तो क्या करूं, बैठकर अपनी बर्बादी का इंतजार करूं? प्लीज शाम, मुझे मेरे हाल पर छोड़। तुम क्यों नहीं समझ रही, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हारे हाल पर? मुझे यकीन अली जरूर आएगा। अगर उसने आना होता तो अब तक वो पहुंच चुका होता तुम्हारे। वो इंसान कभी भी काबिल भरोसा नहीं था, उसकी वजह से अपने आप को बेमोल मत कर। और बाबा को अगर पता चल जाता तो घर में अलग तूफान खड़ा होता। प्लीज शाम, मुझसे वादा करो कि तुम उसे ढूंढ कर लेकर आओ। एक बार वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं अपने कानों से सच सुनना चाहती हूँ। फिर उसके बाद तुम लोग जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अली को कभी से भी ढूंढ के तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।